फाइनली वी मेड इट टू राउंड वन ऑफ द कैजुअल पावन प्रेजेंट्स इंडियाज अल्टीमेट मोटर स्टार हियर ऑन MTV इन चेन्नई. फाइनली आई एम जस्ट गोना गो इनसाइड एंड शो यू हाउ रजनी कृष्णन फ्रॉम RACR इज एक्चुअली ट्रेनिंग पीपल बिफोर दे एक्चुअली हेड टू द ट्रैक, बिकॉज यू कांट जस्ट रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू गो ऑन ट्रैक, यू नीड टू बी ट्रेन्ड फर्स्ट, एंड दिस इज वाई वी हैव रजनी ओवर हियर. सो देयर इज अ क्लास गोइंग ऑन, so I'm not going to disturb them, but I'm still going to show you what's happening behind the scenes. So as you can see here, Rajni himself is training people. These are all students and racers alike. Different tips being displayed there for the ultimate lap, and some of them are already on track. So let me just see if I can go and show you a motorcycle around. एंड दिखाऊं मैं आपको किस तरीके से मोटरसाइकिल को तैयार किया गया है फॉर दिस अमेजिंग इवेंट. दिस इज द यामाहा R15 रैप्ड इन अ नाइस व्हाइट एंड ग्रीन कैस्ट्रोल लिवरी दैट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल दीज अमेजिंग रेसर्स एज यू कैन सी ओवर हियर हु आर राइट नाउ वार्मिंग अप बिफोर दी एक्चुअल टाइम अटैक स्टार्ट. सुबह से जो इन्होंने काफ़ी क्लासेज वगैरह की हैं, एपेक्स कैसे लेना है, कॉर्नर कैसे लेना है, आप जैसे देख सकते हो वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ऑल द राइडर्स आर राइडिंग. एंड ये सब RACR और कैस्ट्रोल पावर वन की तरफ से जो हुआ है. अल्टीमेट इंडियन मोटर स्टार का एक्चुअल लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ. सो अल्टीमेट इंडियन मोटर स्टार इज नॉट जस्ट फॉर रेसर्स, इज फॉर एवरीबडी हु हैज़ अ पैशन फॉर मोटरसाइकिलिंग. यहाँ पे रेसर्स हैं, यहाँ पे न्यूबीज हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सब है हु हैव अ पैशन फॉर मोटरसाइकिलिंग. सुबह से उनकी ट्रेनिंग हुई है, अब वो लोग राइड कर रहे हैं यहाँ पे. एंड राइडिंग में सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप देखोगे सब ने फुल रेस सूट पहना हुआ है. ऑल्दो ये फुल फ्रेश ट्रैक नहीं है उसके बावजूद, सो मेक श्योर व्हेन यू आर राइडिंग अ मोटरसाइकिल ऑन ट्रैक, रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिग और स्मॉल इट इज, यू आर प्रॉपरली किटेड, बिकॉज दिस इज अ पैशनेट अफेयर बट एट द सेम टाइम इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. यहाँ पे सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ये किया जा रहा है, विच इज़ वाई प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस आर सुपर इम्पॉर्टेंट. बहुत ज़रूरी है हमें इस देश में ऐसे कॉम्पिटिशन्स की, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पे राइडर्स जो है अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. और यहाँ इस केस में अगर ये प्रूव करते हैं तो क्या मिलता है आपको पता है? वेल, ये तो पहला राउंड है चेन्नई, उसके बाद है बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, एंड टोटल जो इनमें से सेलेक्ट होंगे फाइनलिस्ट वो जाएंगे कोयम्बतूर करी मोटर स्पीडवे, जहाँ पे उनमें से भी जब फाइनल सेलेक्ट होंगे वो सीधा जाएंगे यूरोप. और यूरोप में कहाँ जाएंगे? वेल, एक MotoGP रेसिंग फैसिलिटी में जाएंगे. किसकी? दे विल गो टू द कैस्ट्रोल होंडा LCR MotoGP रेसिंग टीम, उनकी फैसिलिटी में, और वहाँ उनको प्रॉपरली जो है ट्रेन किया जाएगा. एंड इतनी धूप में फिलहाल ये लोग राइड करें, तो आपको शॉर्ट्स इन्जॉय करो ऑफ देम राइडिंग. एंड थोड़ी देर में जब प्रॉपरली टाइम अटैक चालू होगा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से टाइम अटैक किया जा रहा है. The most important things जो आज के time training में सिखाई गई is throttle roll on and roll off. You have to be very smooth with this because जब आप corner में जा रहे होते हो आपको पहली throttle roll off करना होता है, braking करनी होती है, apex hit करना होता है, and then you exit out of the corner. And इसी तरह की चीज़ें आपको जो है इन motorcycles पर सिखाई जाती हैं, उसके बाद आपको जो है ये competition कराया जाता है. फिलहाल जाके एक बार रजनी जी से मिलते हैं, who was the lead trainer over here, RACR school का R रजनी कृष्णन के नाम पर है, तो उनसे जाके मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो अल्टीमेट इवेंट आज कराया गया उसके बारे में उनका क्या कहना है. सो लेट्स गो एंड गेट रेडी फॉर अ राइड ऑफ अ लाइफ टाइम. सो वेल, विद मी हियर फाइनली द मैन ऑफ द आवर. थ्रू आउट द डे ही इज बीन गोइंग ऑल अराउंड मेकिंग श्योर ऑल ऑफ दिस हैपेंस. बट रजनी, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
How is Castrol Power One promoting safe motorcycling? What is your experience when it comes to this track day? And what do you have to say to the future generation or people who want to join such programs? Be it training at RACR to become a safer, smoother, faster rider, or initiatives like this where, you know, people come, they compete and have such an amazing opportunity to train at a MotoGP level facility. So what do you have to say about this? See, that the good opportunity for the all the youngsters, because no, the people are more interested with the racing, okay, all people riding in the road, because they don't have proper guidance. The Castrol giving proper guidance to come train with me, with RACR. Today done almost some 60 people, of the 60 people I can see there are a lot of youngsters, a lot of girls also. I also lot of enjoyed with all the students and basically this one, no, you will try to hunting the talent to send to Castrol Honda LCR MotoGP team. You will send, I think so, the final who's winning, you're going to training 10 days. Wow. That good opportunity for all the youngsters who are winning, going to in LCR Honda. And I'm happy also because I'm doing training, then you'll find the good riders to put the in the final one. You'll make the almost 2 days, like you can say like one-on-one training for all the 21 people. Then you'll make a race, then who going to win, you'll send for the... So this 21 training is in Coimbatore? Coimbatore, yeah. We'll mostly see you guys in Coimbatore then. Yeah, we got the lucky place, lucky guys, because there are 240 people coming to selection. Out of 10,000, so 10,000 people submitted their entries, out of that 240 came here, correct, different places, and then finally, how many? 21 you said? Yeah, 21 going to final. The final. Finale. Then you will segregate only 18 people race. Wow. Wow, and out of that, few will be selected who will go to Europe to train at the Castrol Honda LCR MotoGP training facility. So that was the eventful day here at the ECR Speedway in Chennai, jahan pe almost 60 riders ne, 50 se zyada riders ne jo hai, aaj compete kiya hai time attack mein after being trained throughout the day. And ab jo hai winners isme se select honge, filhal to hame bhi nahi pata, we don't have the time sheet, but all I want to say is ye opportunities agar aapko milti hai to you should not miss it. This is something that you should definitely take part in, because motorcycling India mein bahut ubhar raha hai, bahut sari brands hai, bahut sare log hain jo is cheez ko promote kar rahe hain, riding culture ko, safe riding culture ko, riding courses ko, bahut sare schools hain aaj ke time pe, like RACR that we have over here, and isi mein forefront pe Castrol Power One hai kafi salon se, jahan pe safe राइडिंग प्रमोट की जाती है. अल्टीमेट परफॉर्मेंस ये आपको ऑयल देता ही देता है, जो कि मैं अपनी मल्टीपल मोटरसाइकिल्स में, मल्टीपल राइड्स में यूज कर चुका हूं. बट एट द सेम टाइम एक्सपीरियंसेस लाइक दीज इज व्हाट एनी ब्रांड वांट्स यू टू बी अ पार्ट ऑफ, सो दैट आप अपना मोटरसाइकिलिंग लेवल एलिवेट कर सको. बिकॉज मोटरसाइकिलिंग ट्रैक पे चलाने का एक अलग ही मजा है. आज एक क्लास के बीच में भी लोगों से पूछा गया कि ट्रैक में और रोड में आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया है, एंड उसमें वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स पीपल सेड इज सो मच मोर सेफर, बिकॉज आपको ट्रैफिक का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, रोड इज नाइस एंड स्मूथ, गड्ढों का ध्यान नहीं देना पड़ता है. इट्स अ मच सेफर, मच बेटर वे टू लर्न, सो इट विल मेक यू फास्टर, सेफर, स्मूदर, बिकॉज मोटरसाइकिलिंग एक बहुत ही स्मूथ आर्ट है. थ्रॉटल रोल ऑफ करना, रोल ऑन करना, कब ब्रेक करना है, कब ब्रेक छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको एक राइडिंग स्कूल सिखाता है, या फिर इस तरीके का एक एक्सपीरियंस सिखाता है. सो वेल, इस साल का मोटोस्टार फिलहाल चेन्नई का होता है एंड. इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड, एंड आई होप कि अगले साल जब हम ये इवेंट वापस से करें, सो मेनी मोर ऑफ यू टेक पार्ट, एंड आई डेफिनेटली वांट टू सी मोर ऑफ यू एट एन इवेंट लाइक दिस. मेरा नाम है सनी चौहान, कैमरे के पीछे थे सनत बरुआ जिन्होंने आपको सिनेमैटिक्स दिए हैं. सो विद दैट सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार. पीपल राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ. मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में. बाय बाय.